हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, एक एचपी का बोर्ड है जो पूरा डेड है, जो पूरा बोर्ड जल भी चुकी है इसका भिन सेक्शन। तो आज इसको मैं रिपेयर करने वाला हूँ। तो भिन सेक्शन जब जल गया तो इसका मतलब इसमें तो और भी कुछ हुआ है, इस बोर्ड में और भी कोई ना कोई शॉर्ट है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका देखिए, बोर्ड का जो पार्ट नंबर देखिए 6050A 2493101MB A02 TPN 1105 और ये यू में मदरबोर्ड है। तो इसको अभी देखिए, इसका फिलहाल तो बोर्ड जल चुका है, तो मतलब बोर्ड में और भी शॉर्ट कोई ना कोई हो सकता है। तो पहले हम इसको हटाएंगे। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो भिन सेक्शन जो का जो आउटपुट है, तो उधर जो आउटपुट के पास हम इसका 19 वोल्ट बा जो कोई भी वोल्ट इनपुट करके देंगे कहाँ शॉर्ट हो चुका है, तो उसको भी शॉर्ट आउट करेंगे और इसको चालू भी करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका शुरू करते हैं। थोड़ा सा हीट होने का टाइम देना पड़ेगा, ये अच्छे से जल चुका है, बहुत अच्छे से जल चुका है। देखिए पूरा इसका देखिए पूरा कैसे जल चुका है इसको। तो हम इसको उठा दिया जला के। तो हमें अभी क्या करना है, अभी हमको इसका जो इंजेक्ट साउंड आउटपुट है, देखिए ये जो आउटपुट का सीएलआर है, हम इसमें लाइन देंगे। देने के बाद देखेंगे कहाँ शॉर्ट हो चुका है, उसको भी हटाएंगे। हटाने के बाद देखेंगे चालू होता है या नहीं होता है। देखिए जब हम उसका बोर्ड में 19 वोल्ट इनपुट करते हैं डीसी पावर सप्लाई में, देखिए 6 वोल्ट सेट किया करने के बाद ये शॉर्ट बता रही है। तो हमको शॉर्ट बता रही है, तो हमको देखना है बोर्ड कहाँ शॉर्ट हो चुका है। तो हम हमारा हार्ट का सेंसर से देखना है कहाँ शॉर्ट हो चुका है। तो हमको हीट बोर्ड हीट 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 इधर हीट हो रही है एक कैपेसिटर। तो इसको देखिए, मैं थोड़ा सा थिनर डालते हैं, देखिए थोड़ा फॉलो कीजिए, स्मोक निकल रही है। तो हम इसको हटा देंगे। हटाने के बाद जो काम करेंगे तो ये हटा देते हैं। देखिए हटा दिया। हटाने के बाद हमारा जो डीसी पावर सप्लाई है उसका देखिए
शॉर्ट चला गया। तो क्या करना है भाई, इसको हम चालू करने का ट्राई करेंगे। तो डीसी पावर सप्लाई के सामने इसका 19 वोल्ट कर लेते हैं। देखिए अभी इसको चालू करने का ट्राई करेंगे। अभी भी चालू होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए चालू हो चुका है, हमारा बोर्ड रन कर चुका है हमारा बोर्ड। तो हमारा बोर्ड लगता है रिपेयर तो हो चुका है, तो ये तो चालू हो चुका है। तो इसके बाद इसका डिस्प्ले भी देख लेते हैं। देख ही सकते इसका डिस्प्ले में तो आना चाहिए, तो हमको बाद में दिखा दूंगा। तो पहले हमको क्या काम करना चाहिए, इसका जो मोसफेट का जल चुका है इधर कनेक्शन कैसे करें वो देख लेते हैं एक बार। इसका आसान तरीका अप्लाई करना है, तो इधर देखना है पूरा जल चुका है। तो हम इसको एक बार देख ही लेते हैं ठीक से कनेक्शन कहाँ से कहाँ था और कनेक्शन कैसे करेंगे। तो हमको पहले इसका स्कीमेटिक को देखना है। एक काम कर लेते हैं, हमारा जो सीपीयू इसको ऑन कर लेते हैं एक बार। और इसका देखिए इधर जो इधर का हम इसका कैपेसिटर हटा दिया, तो इसका शॉर्ट रिमूव हो चुका है एक बार। और इसका देखिए जो मॉस्फेट जल चुका है अच्छे से देख सकते हैं, तो इसको भी ठीक करना है। तो पहले क्या काम करना है, इसको ठीक करना, इसका ट्रैक देखना है कहाँ से कहाँ का है, इसका गेट सोर्स ड्रेन सब देखना है, इसका कौन सा मॉस्फेट है, एन चलना पी चलना वो भी देखना है हमको। बोर्ड का और कुछ नहीं बिखरा है, थोड़ा सा डस्ट वगैरह था वो तो क्लीन कर दिया मैंने पहले ही। और फिलहाल बोर्ड का कंडीशन ओके ही है। तो अभी हमको इसका स्कीमेटिक डाउनलोड करना है, तो हम डाउनलोड करके आपको सामने ले आते हैं। थोड़ा पॉज करती हूँ उसको। देखिए मैंने इसका स्कीमेटिक ओपन किया, ओपन करने के बाद हम इसको सर्च करेंगे। इसका जो मॉस्फेट का नंबर है, देखिए जो पहला मॉस्फेट है उसका नंबर देखिए Q6001। देखिए Q6001। तो हम इसको ही सर्च कर लेते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाना लेते हैं। जो मॉस्फेट जल चुका है Q6001, तो इसका जो मॉस्फेट है ये देखिए जो मॉस्फेट है ये हमारा, देखिए जो पूरा आया इधर इधर से है, देखिए ये जो मॉस्फेट है हमारा ये
बेन सेक्शन का मोसफेट है। देखिए बेन सेक्शन का दो मोसफेट है, जो इसका Q6011 वन के बाद जो ये थोड़ा सा छोटा कर लो, देखने में आसान हो जाएगा। देखिए इसको Q6012 ये जो मॉस्फेट है, एन चैनल मॉस्फेट है, तो इसको लगाना है। लगाने के बाद तो देखिए इसका सब्जेक्ट कैसे आया है। पहले इसका जो पीवी पैक जो इसमें आया आके, इधर इसका जो देखिए एक गेट के लिए बैटरी ड्राइव करता है, जो दो का गेट एक साथ एक कैपेसिटर से लगा हुआ है, जो ड्रेन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम इसके एक बोर्ड भी उबे में करके रखा है डाउनलोड करके, इसको भी ओपन करते एक बार। देखिए हम इसको जब पी से जाएंगे डीसी जैक है, देखिए डीसी जैक के बाद ये हमारा 6012, तो इसके साथ देखिए जो कनेक्टेड है, देखिए इसके साथ जो कनेक्ट है ये जल चुका है। तो ये किसके साथ कनेक्ट है, इसका पूरा देखिए कनेक्ट है। तो इसका दूसरा मॉस्फेट का देखिए, इसका हमको गेट देखना है। तो बैटरी ड्राइव कहाँ कहाँ हो रहा है, देखिए इसका जो इसका दूसरा जो आईसी है उसको भी देख लेते हैं एक बार। नहीं इधर इसका आईसी है, इधर से इसका कनेक्टेड है। तो इसको अब क्या करना है, इसको ठीक करना, तो इसको देखिए हमको ये जल चुका है Q6010, हमारा जो मॉस्फेट जल चुका है। तो Q6010 ये जो मॉस्फेट है हमारा बिन सेक्शन मॉस्फेट है। तो इसका देखिए तो एडाप्टर से कनेक्टेड है एसी ड्राइव। तो हम इस पर चले जाते हैं, हमने थोड़ा इधर गलती कर दिया। ये जो मॉस्फेट है ये जल चुका है, जो पहला मॉस्फेट है बिन सेक्शन का जो मेन मॉस्फेट। इधर से देखिए इसका जो जो मॉस्फेट है, देखिए इसको हम थोड़ा भी आपको दिखा देते एक चीज, जो देखिए इसका मॉस्फेट का डिटेल्स थोड़ा दिखा लेते हैं। देखिए मॉस्फेट का कौन सा वाला मॉस्फेट है, देखिए हमारा जो साइट खुला है इसमें देखना है हमारे कौन सा मॉस्फेट है। तो देखिए इधर जो लिखा है जे AON7410 डाटा शीट एन चैनल मॉस्फेट, तो हमारे पास मॉस्फेट तो अवेलेबल है ही। तो हमको ये क्या करना है, इस पर लगाना है, बट ना लगाने से भी चलेगा। तो हमको क्या करना है, इधर का जो ड्रेन से सोर्स को एक साथ जम्पर मार देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। और
चलना भी स्टार्ट कर देगा। तो हम वही कर लेते हैं एक बार, देखिए इसका हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हमको इसके साथ जंपर लाना है, जंपर देने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम अभी इसको करके दिखाते हैं, देखिए हमको क्या करना है। इसको पहले क्लियर करना है ठीक से, तो हम इसका कनेक्ट ऐसे ही कर देंगे। करने के बाद देखिए इसको थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं, लगा दिया। लगाने के बाद हमारा जो जम्पर ही वायर है उससे इधर लगा देंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए काम तो हम सब लोग कर लेते हैं, बट उसको कैसे करते हैं सब लोग भी नहीं दिखाते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं मैं हमने सब सीख लिया तो किसी को नहीं सिखाएंगे, एक जो सोचता है वो गलत सोचता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, वो दिखा देते हैं सबके नॉलेज के लिए भी और सीखने के लिए भी। बहुत लोग को इसका आइडिया चाहिए कैसे करे क्या करे। हमारा देखिए इधर मैं मोस्फेट लगा सकते हूँ, बट नहीं लगाऊंगा तो काम चल जाएगा। तो इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं आएगा, तब भी मैं इसको करके दिखा देता हूँ एक बार इसका। तो हमको थोड़ा सा इसको क्लीन करना है पहले, इसका जो इसके ऊपर एक प्लेप लगा हुआ है प्लेप, जिसको इसको हटाना है। हटाने के बाद कर देना है। तो मैंने इसका तो हटा दिया, अब इसको देखिए मैं सोल्डर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा इसको ठीक से करना, नहीं तो खराब होने का चांस दोबारा रहेगा, नहीं रहता है, उसीलिए ऐसे ही काम कर देंगे। ये दोबारा ये कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं आया। तो हम इसको थोड़ा अच्छे से काम करेंगे तो अच्छे चलेगा, चलना शुरू करेगा। इसको थोड़ा सा कुछ घटक से कुक कर दिया तो कुछ दिन चलने के बाद दोबारा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हमको ध्यान रखना है इसको करने के लिए जो काम अच्छा हो। और कस्टमर दोबारा इसके दो तीन दिन एक मास चलाने के बाद रिटर्न ना आए। हम बहुत लोग जो रिपेयर करते सोचते हो तो आया है एक मास चलेगा दोबारा आएगा, ऐसा नहीं। काम करेंगे, काम कराऊंगा तो ईमानदारी से, तो आप लोग काम उतना ही देंगे हमको। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद मैं इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है इसको आपके पास ले लेता हूँ। देखिए इसको देता हूँ कनेक्शन। देखिए हमारा लाइट ग्लो हो चुका है। तो हम इसको अभी डिस्प्ले कनेक्ट करके दिखाएंगे जे कनेक्ट हुआ
और इसका डिस्प्ले भी ठीक ठाक दे रही है, तो वो भी दिखाना है। हाँ, सक्सेसफुल भी रिपेयर हुआ है, वो भी कंफर्म कर लेते हैं। देखिए मैंने सेट कर दिया इसको, तो अब इसको चालू करना है। तो देखिए इसको मैं कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद मैं इसको मार्जिन टेप से चालू करने ट्राई करेंगे। देखिए हमारा फैन घूमना शुरू कर दिया और हमारा डिस्प्ले भी अभी तक डिस्प्ले नहीं दिया, तो अभी दे चुका है। अब देख भी सकते हैं इसका स्टार्ट भी हो चुका है, हमारा लैपटॉप सही से चल भी रही है। तो हमारा इसका क्या हुआ था, जल गया था डिस्प्ले, बट इसका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुका है। तो इसका देखिए जो प्रॉब्लम था, इधर जल गया था तब भी हमारा सब ठीक ठाक चल रही है। तो देखिए दोबारा जैसे प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं ठीक से जंपर मार दिया। तो इधर देखिए बीन सेक्शन का जो मेन मॉस्फेट था उसको हटा दिया, हटाने के बाद इसका जो सेकेंडरी मॉस्फेट है उसमें ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा इसका। और देखिए मैंने इधर जो कैपेसिटर हटाया था उसको भी नहीं लगाया, तो उसको एक लगा देता हूँ, उसका प्रोटेक्शन के लिए अच्छा काम करेगा, दोबारा कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम ये जो बोर्ड है इससे एक ले लेते हैं, लेके उसको लगा भी देते हैं तो इसका थोड़ा सा हेल्प हो जाए और इसका दोबारा इधर से प्रॉब्लम ना आए, इसलिए देना ज़रूरी है। तो हम दे देते हैं, देखिए ये नहीं देने से भी चलेगा, तो कभी प्रॉब्लम आने का हो सकता है, तो इसका प्रॉब्लम नहीं आया इसलिए हम इसका एक कैपेसिटर लगा देते। हर काम में ईमानदारी ज़रूरी है, हम इनकम करते जाएंगे और उसका लॉस हो जाएगा कोई कस्टमर का, ये नहीं करना ठीक नहीं होगा, इसलिए हम इसका काम थोड़ा अच्छे से करने का ट्राई भी करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना और बेल आइकन को भी दबा के रखना, जैसे मेरा मोटिवेशन मिले आपको दोबारा वीडियो देने का। देखिए लगाने का थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, इधर थोड़ा सा सोल्डर करना है, तो हमारा ठीक से बैठ जाएगा दोबारा। मैंने इधर जो सोल्डरिंग का प्रॉब्लम है तो उसको भी मैं सही कर दिया, करने के बाद लगा दिया तो ये आसानी से बैठ जाएगा, तो हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो ऐसे देखिए एचपी का जो भी बोर्ड है, ये जो बोर्ड है देखिए, ये जो पतंजलि वाला बोर्ड, इसमें भी ये टाइप का बोर्ड में ज़्यादातर विन सेक्शन जल जाते हैं, और इसका और एक भी प्रॉब्लम आते हैं जो थर्मल की प्रॉब्लम, वो भी ठीक हो जाते हैं थोड़ा बहुत मेहनत करने से। और इसका और